सबसे पहले यू नो व्हाइल वाचिंग द फिल्म नाम में यू नो योर नेम वीरा यस या मैंने वो थोड़ा लाइक आई चेंज आई बैलेंस्ड माय नेम मेरे किसी स्पिरिचुअल एडवाइज़र ने उन्होंने बोला सो लाइफ हैज़ बीन गुड सिंस देन मोर पीसफुल सो वेरा ऐड किया है ऑफ कोर्स वीरा वेरा जो कह सकते हो सो इट जस्ट बैलेंस इज माई बोथ एक्चुअली बोथ हम सब लोगों की एक फ्रीक्वेंसी होती है तो वो फ्रीक्वेंसी को मैच करने के लिए मुग्धा गोडसे था ही बट वेरा ने थोड़ा और अच्छा कर दिया थोड़ा और पीस आ गया It's a ad. So, देखो, we don't believe in adding Mugdha, A, 4 A and Godse में दो O डाल दिए और ऐसा. So, एक नाम add कर दिया. So, it just makes it more aesthetically correct also. You've also gone into production with this particular film. हाँ जी. What was it that actually attracted you? Maybe was it the script or was it something you just wanted to get back? See, I just like... Because when he came with me with the script, I definitely knew this has to be played by the other girl's character has to be her, and the producer aspect just came along knowing this is a new platform, digital platform hai, and just thought ki okay let's co-produce it and you know at least take it to that level, and just as an actor just want to do good work, so I thought let's support it and do it. So that's the whole agenda. There's nothing major. हाँ जी यू नो फिल्म इज वेरी प्रॉमिसिंग स्पेशली यू नो द क्लाइमेक्स हाँ जी व्हेन यू कम टू नो कि शी इज योर डॉटर और शी कम टू नो दैट यू आर मदर ओके ये कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका और एक अलग अवतार में देखने को मिला आपको यू नो जो आपने कभी नहीं किया होगा जी एस्ट्रोलॉजर और इस तरह से आपका यू नो आपका लुक आपका कॉस्ट्यूम जी 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 सो सी दैट्स व्हाट द इंट्रीगिंग पार्ट ऑफ द होल स्टोरी जब उन्होंने मुझे सुनाया इट वाज समथिंग डिफरेंट एंड जैसा ये डिजिटल माध्यम है उसमें ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल है बहुत सारे ऑडियंस देख सकते हैं पहले हम हमेशा थिएट्रिकल की थिएटर में कौन लोग देखने जाएंगे तो अभी ये टेंशन नहीं है यू कैन जस्ट वॉच इट ऑन योर मोबाइल और इन लैपटॉप सो ये इट्स यू कैन एक्सपेरिमेंट सो हमने ये किया एक्सपेरिमेंट एंड मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी एंड इवन शी एंड आई वर डिस्कसिंग ड्यूरिंग द शूट कि ये बहुत एक अलग एंड नाइस एंड हम लोगों ने लाइक आई हैव नॉट प्लेड सच कैरेक्टर तो आई थिंक इट टर्न्ड आउट वेल एंड दैट्स व्हाट लीव्स एवरीबॉडी विद एक्साइटमेंट क्यों ऐसा क्यों नहीं करा गया क्योंकि फिल्म आपने बनाई है हाँ जी रॉयल स्टैग फिल्म फेस्टिवल है और भी शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल है जहां पे फिल्में इस तरह की शॉर्ट फिल्म जाती हैं वेब सीरीज की डिजिटल प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूं डेफिनेटली हम करेंगे अभी तो बनी है एंड देन हंगामा प्ले शोड इंटरेस्ट सो इट्स स्ट्रीमिंग ऑन हंगामा प्ले टुमारो 12 o'clock ऑनवर्ड्स सो अभी तो शुरुआत है सो डेफिनेटली इट विल गो टू ऑल द फेस्टिवल्स विल डेफिनेटली टेक पार्ट एंड इट विल गो वर्ल्ड वाइड यस Your mark? Oh, it's in a heart. Question for all three of you. Like, Mugdha, you're playing a crystal gazer. Yes. Have you actually gone and done any of this? Because Bollywood actors have always really focused a lot on numerology, astrology. Yes, yes. सी ये जो किरदार था क्लेयर वॉइंट वी कैन कॉल इट ये ना इंडिया में थोड़े एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग उसमें ज़्यादा प्रभाव है ये क्रिस्टल है लेकिन इट्स मोर ऑफ लाइक इट्स वेरी रेयर बट ऑफ कोर्स मैं सब जगह गई हूँ आई लव दिस फील्ड एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड आई ट्राई एंड डू ट्राई माई हैंड एट टैरो विथ माई फ्रेंड्स ऑल्सो सो आई कीप doing all this and I believe in this that's what why have you ever been to a crystal gazer or a clairvoyant or a numerologist of course astrologer to gayi hongi astrologer I have we of course have a guruji we have a family guruji who looks after our things but not really I think it's mom's department more than my department to be honest so not really Akimuda, since you also you said that you've been to a clairvoyant also what have your experiences been and what have you picked up from your experiences into the gallery एक्सपीरियंसेस सी यहाँ ये थोड़ा हमने फिल्म लिबर्टी लिया है इतना ड्रेसअप नहीं होते बट हमारे डायरेक्टर को थोड़ा चाहिए था तो हमने किया है बिकॉज यू नो इट लुक्स नाइसर बट नॉर्मली ऐसे नहीं हो तो नॉर्मल रहते बट यस ऑफकोर्स व्हेन जब भी मैं किसी से मिली हूँ
ऑटोमेटिकली, अरे आ गया, ऑटोमेटिकली ना पॉजिटिव चीज़ें मैं याद रखती हूँ, जो अच्छा बोला नहीं है वो नेगेटिव है मैं छोड़ देती हूँ. सो यू नो इट वर्क्स, मैनिफेस्टेशन वर्क्स एंड ओनली गुड थिंग्स हैपन. सो नॉट दिस काइंड ऑफ स्टोरी, लेकिन बहुत ऐसे किस्से हुए हैं जिससे यू नो कुछ किसी ने कुछ बोला है वो हो गया है, और मैनिफेस्टेशन आई हैव एक्सपीरियंस. सो दिस थिंग्स आर डेफिनेटली देयर, ऑफकोर्स इफ यू बिलीव देन दे आर देयर. ओके, टू द डायरेक्टर, यू नो जब आप गए सब्जेक्ट को लेके, डू यू आर यू प्रिपेयर कि ये हो जाएगा, पॉसिबल हो पाएगा, व्हाट इज द फर्स्ट थॉट एंड व्हाई यू थॉट टू बी बीइंग विद टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट विद मुक्ता एंड व्हाट वाज हर रिएक्शन? शी इज़ अ डियर फ्रेंड एंड वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस लॉन्ग. तो पहले जब मेरा ये स्टोरी है तो मुझे मेरे मन में इनका ही ख्याल आया एंड आई वेंट टू हर. सो कहीं ना कहीं तो ऐसा लगा कि हाँ हो जाएगा करके. ओके मुमताज, इसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट? अब आप प्रोड्यूसर बन गई हैं. हाँ जी. और कितना मुश्किल होता है बीइंग अ प्रोड्यूसर, बीइंग एन एक्टर? सी, प्रोड्यूसर बनने का एक सबसे फायदा होता है कि अपने आप को कास्ट कर सकते हो, यू नो, सो यू डोंट हैव टू वरी. बट जोक्स अपार्ट, इट्स अ डिफरेंट फील्ड एंड आजकल इफ यू प्रोड्यूस एंड यू हैव अ डायरेक्टर लाइक दिस, इट्स ईजी, इट्स यू कैन गेट थिंग्स टू क्विकर टू द ऑडियंसिस एंड इट्स जस्ट दैट पार्ट, नथिंग एल्स. अभी इफ यू गेट गुड मनी वाई नॉट, बट ऑफकोर्स द मेन थिंग इज़ टू डू गुड वर्क एंड हमारे अंदर का जो एक्टिंग का जो हुनर दिखाना है उसके लिए जस्ट फाइंडिंग वेज एंड क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज. नेक्स्ट वी वॉन्ट टू डू फ्यू मोर एपिसोड्स ऑफ दिस इफ पॉसिबल, वी आर थिंकिंग एंड देन डेफिनेटली आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन डूइंग अ मराठी फिल्म. इट्स बीन हैपनिंग सिंस वेरी लॉन्ग, बट आज हमने डिसाइड कर लिया है कि करेंगे. सो वेरी सून दैट आई नॉट येट डिसाइडेड, बट डेफिनेटली करनी तो है. लाइक आई बीन टॉकिंग अबाउट इट, वी प्लान्ड टू डू इट, बट देन Rajiv Patil, everybody knows. So I guess definitely this is time to do a Marathi film. So many good Marathi films are coming. She's also coming, but and I have found a script for myself which I wanted to do. So you guys will very soon will see that. Yes. Thank you so much. Thank you. क्योंकि एक दृष्टि नाम है तो मतलब ऐसे दूर दृष्टि रखती हैं आप. आपने पिक्चर देखी नहीं ना अभी? हाँ, अभी देखोगे देन यू विल नो. बट यस, दृष्टि एक मेरे किरदार का नाम है एंड इट्स अ काइंड ऑफ अ मेटाफर फॉर द होल फिल्म आल्सो, बिकॉज वो एक क्रिस्टल गेजर है, क्रिस्टल में देख के भविष्य बताती है. यस, सो वंस यू सी इट यू विल नो, लेकिन इसलिए दृष्टि वो एक मेटाफर है और उसका नाम भी दृष्टि है. सो दैट्स टू थिंग्स. हाँ जी. Since it's drishti, what is your foresightedness towards love, relationship and marriage in the future? जैसा सभी को पता है, इट्स ऑलवेज, वी ऑलवेज ऑन फॉर लव एंड मैरिज एंड रिलेशनशिप ऑलवेज फॉल आफ्टर दैट. सो आई एम इन अ हैप्पी स्पेस, सो इट्स ऑल नो प्रेडिक्शन. आई थिंक दीज थिंग्स वन शुडंट प्रेडिक्ट, इट शुड जस्ट गो विद द फ्लो. सो दैट्स अबाउट इट. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. अरुण बिना फिल्म देखे तू दृष्टि पे टिप्पणी कर रहा है, तू ना देखा है? Now you know. Once you see it. Thank you. पहले देख तो ले, हम देख के आए पहले, हमने फिल्म देखी है. बिल्कुल नहीं सर, सर देखने हैं सर, मैं कल ही देखने आया हूँ सर. वैसे ही मतलब मुझे बता दो यार तुम लोग. Really good to see you. You know, we have seen the film and it is fantastic, especially the climax. Okay. Yeah, even I like the end. Huh. I love the end. Is, you know, it's like really quirky. Do you think it's a good start? Yeah, I think it's a fab start because, you know, why? I sincerely feel that anything as intriguing, like the ending is like an intriguing ending. Anything with an intriguing ending, you can develop into whichever way you want.
you know, so it's like, are they mother and daughter? What is the connotation? You know, so it's a very beautiful, I love the end. Okay, it means there are possibility of 1, 2, episode 3, it will go like that. I think it can be a series. It can be anything. That's what I'm saying. It can be, depending on whoever the creative is on this, the writer, director, whoever, they can all conglomerate and, you know, think how to sort of take this forward. They can, but they can take it forward in any way possible. There are so many platforms, Sir, actually, no, I am not very aware. I am on the other side of the camera, so I don't know what are the platforms. I only know that if there is a script, whether I should read. And so I can't say. But now you're pointing out, if there are better things, then they should have taken it. I have no idea. As an actor, I mean, I don't know. I can't comment on that. But what I can see as an actor clearly is that it can be developed in any way possible, any manner possible. And maybe it's good it's come out this way because, I mean, I've just done a series for Alt Balaji called The Test Case. It was released on the 26th of January. We are in March. I had a great time doing it. And I think, jaise Alt hai, waise hi Voot hai. Jaise Voot hai, वैसे ही अमेजोन है एंड नेटफ्लिक्स है, ऐसे कई चीज़ें हैं इस वक्त, यू नो. तो ये सीरीज के तौर पे, यू नो, कई बार वो अभी क्योंकि इतनी ज़्यादा सीरीज कुछ बनने लगी हैं, दे ऑल्सो वॉन्ट टू सी कि क्या है भाई. सो समटाइम्स द स्टार कास्ट इज इनफ, समटाइम्स इफ यू शो समथिंग लाइक दिस इज डेफिनेटली मोर देन इनफ, आई थिंक, यू नो व्हाट आई मीन. सो आई थिंक वो भी एक तरीका है जो आप बोल रहे हैं. But अगर कोई क्लियर है कि यार सीरीज ही बनाना है, then this is the best way out ना. If you have the money and you make it and have a screening, have 10 screenings, it's okay. Thanks. Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service, quality and commitment. And that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us. Sir, aapki film The Great Leader aa rahi hai. Is par kuch roshni daliye. Roshni leader ke saath apne aap chalti hai. Aur hum kya roshni dalenge uske upar. एक बहुत ही अच्छा विषय है इस फिल्म का, महिलाओं के प्रति जो है समाज में आजकल और कई गांवों में, कई क्षेत्रों में अत्याचार होता है, उनको बढ़ावा नहीं दिया जाता. इसी के दायरे में ये कहानी बनी गई है. हीरो के पिता की भूमिका हम निभा रहे हैं और हमारी पत्नी जया जो है वो हमारी पत्नी का रोल कर रहे हैं. तो ये एक हिंदी वर्जन है, तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ. द ग्रेट लीडर फिल्म के निर्माता दीपक सावंत हैं, जो पिछले 45 वर्षों से आपके मेकअप आर्टिस्ट हैं. लोग जानना चाहते हैं कि शूटिंग पर दीपक सावंत आपकी नज़र में मेकअप आर्टिस्ट होते हैं या निर्माता. ये मेकअप आर्टिस्ट पहले मेकअप हमारा करते हैं, उसके बाद ये निर्देशक बन जाते हैं. इस फिल्म की सफलता के लिए आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? द ग्रेट लीडर जो है वो जा करके देखें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी और आपको सराहनीय लगेगी. दीपक जी की फिल्म के लिए ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं और इसी तरह उनको सहायता बनी रहे ताकि ऐसी फिल्मों का प्रचार हो, और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन और स्नेह और आदर. ग्लोबल एडवर्टाइजर for innovative outdoor solutions.